हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑप इंडिया पॉडकास्ट. आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं. ही इज मिस्टर सुरेश चवांके, हु इज द एडिटर इन चीफ ऑफ सुदर्शन न्यूज. नमस्ते, जय श्री राम. सुरेश जी, जय श्री राम. अभी ये बहुत कंट्रोवर्सी में काफी ऐसे हमेशा ही घिरे रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ अति वाली कॉन्ट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं. क्योंकि मैंने दुखती नस जो है उस पे दबा दिया है, हाथ डाल दी. तो ये सुदर्शन न्यूज पे एक प्रोग्राम चला रहे हैं यूपीएससी जिहाद करके, जिनमें सुरेश जी ये हमें बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जिहादी टेंडेंसीज रखते हैं, लेकिन वो अपने कैंडिडेट्स यूपीएससी में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं. ये ट्रैक कर रहे हैं कि उनके फंडिंग कहाँ से आती है, वो कौन से संस्थाएं हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, और इससे हमारे देश पे क्या असर पड़ सकता है. और अगर जिहादी टेंडेंसी के लोग यूपीएससी में आते हैं तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि देश पे कुछ भला असर तो नहीं पड़ेगा. बट उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे. सुरेश जी, पहले हमें बताइए, हम अभी बच्चे हैं, हम अभी अभी आए हैं इन द नॉन लेफ्ट मीडिया स्पेस. आप इस इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से हैं. आप हमें ये बताइए प्लीज कि किस वजह से आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, क्योंकि आज जितना मुश्किल है शायद 15 साल पहले उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था. तो ऐसी क्या वजह थी कि आप इस इंडस्ट्री में आए, आपने सुदर्शन न्यूज को स्टार्ट किया? देखिए, मैं बहुत छोटे से शहर का, गांव का रहने वाला हूँ, शिरडी महाराष्ट्र में, जिसको साई बाबा के नाम से जानते हैं. विद्यार्थी परिषद का काम करता था, संघ का संयोजक था, और एक वाक्य हम हमेशा कहते थे, जहाँ कम वहाँ हम. तो सबने देखा, मैं तो आंदोलक कार्यकर्ता था, तो मुझे सब कह रहे थे कि राजनीति में जाओ वगैरह वगैरह. मेरे दिमाग में आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने का भी था, संन्यास लेने का था, लेकिन हमारे गुरु जी ने भी कहा कि तुमको कुछ दूसरा काम करना है, तो हमने नहीं लिया. तब ये ध्यान में आ गया कि हिंदुस्तान के हिंदू संगठन, तमाम धार्मिक क्षेत्र के हो, सामाजिक हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन, ये देश में सबसे ज्यादा काम करते, सेवा का हो या किसी भी प्रकार का. हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी विदेश में उत्तर देने की बारी आती है तो इन्हीं का नाम लेना पड़ता है, फिर वो प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का क्यों ना हो. लेकिन अगर हम भारत में देखें तो यहाँ का तमाम मीडिया, सारा मीडिया हमेशा इनको हेट्रेड की तरह, आतंकवाद की तरह या पिछड़ों की तरह, पोंगापंथी की तरह दिखाता रहता है. ये सब कुछ जब मैंने देखा तो मैंने तय किया कि मीडिया में जाना चाहिए. वैसे मैं 17 आयु थी मेरी, तब मैं कैंपस रिपोर्टर बना था तरुण भारत नाम के अखबार का. तो मैं कैंपस रिपोर्टर इसलिए कहा गया मुझे क्योंकि मैं 18 पूरा नहीं कर चुका था, तो इसलिए मुझे कैंपस रिपोर्टर कहा. और मैंने शिरडी का भी काम करता था, कैंपस में भी एक कंसेप्ट लाई थी, और मैंने देखा कि ये बड़ी खतरनाक स्थिति है, इससे बाहर पढ़ना है तो मीडिया में जाना चाहिए. तो मैंने पहले वेब जर्नल चालू किया, भारत का पहला वेब जर्नल बातमी.com, मतलब जैसे हिंदी में आप समाचार कहते हैं, इंग्लिश में न्यूज कहते हैं, वैसे मराठी में न्यूज को बातमी कहते हैं. तो बातमी.com मैंने शुरू किया था, जब इंटरनेट पर जाने के लिए STD कॉल करना पड़ता था, तब शुरू किया था. और तब भी हमने ऐसे कई मुद्दों को उजागर किया था, तमाम मुद्दे उठाए थे. लेकिन 2002 में जब दंगे हुए गुजरात में, और उस गुजरात दंगों में मैंने देखा कि हिंदू जलाया गया, हिंदू पीटा गया, प्रथम लोग हैं. क्या हम कनेक्टेड है ना? प्रदोष कर जा रहे हैं. सुरेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक कोई इंटरनेट इशू थी. बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं. और एक मिनट. हाँ बोलिए प्लीज. आई एम सो सॉरी, आई थिंक देयर वाज सम इंटरनेट प्रॉब्लम. कोई बात नहीं. तो हाँ. मैंने देखा कि
तमाम बुरखा दत्त वगैरह वगैरह ये लोग हिंदुओं के विरुद्ध खबर दिखाते थे और केवल मुसलमानों को पीड़ित दिखाते थे। तो मैंने तब तय किया कि मैं टीवी चैनल लाऊंगा। अब मैं कोई मतलब इतना पैसा नहीं था, लेकिन मेरी आईटी कंपनी थी, तो मैंने वो आईटी कंपनी को बेच दिया और मैं दिल्ली आया। मैंने कंपनी 2003 में बनाई, 5 में लाइसेंस लिया और लाइसेंस लेके सुदर्शन चालू किया, आज आपके सामने है। आज 15 साल पहले, बल्कि आप समझिए कि करीब 3-4 साल पहले तक हमारा मजाक उड़ाने वाले, हमको इग्नोर करने वाले, हमें पत्रकार ही न मानने वाले लोगों को भी अब इस मुद्दे पे प्राइम टाइम और इस मुद्दे पर अपने चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी बदली पड़ी है। ये हमारा यश है, ये सूर्य तवान के का नहीं है, इस आइडियोलॉजी का यश है, क्योंकि ये सत्य है और सनातन सत्य कभी ना कभी तो सत्य होना ही था। हमारा केवल इतना क्रेडिट है कि हम इस पे टिके रहे। सोनिया मैडम की राज में भी या तमाम मायावती भी यहाँ पी थी, अखिलेश भी थे, तो हम पीछे हटे नहीं। ऐसी कोई एट्रोसिटी नहीं हुई जो हमारे खिलाफ हुई नहीं। हिंदुस्तान का ऐसा कोई विभाग रहा नहीं जिसने हमारे पास रेड नहीं की हो। ऐसा कुछ मतलब ऐसा कोई FIR नहीं, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई धारा नहीं बची है। सिर्फ मर्डर की धारा मेरे ऊपर लगनी बाकी है, बाकी सारी धाराओं के FIR हो चुके हैं, बॉम्ब धमाके के आरोप हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हम डटे रहे, सत्य के साथ खड़े रहे और ईश्वर को मानते रहे कि सत्य पे रहेंगे तो वो साथ देगा। आज यहाँ है। तो आपने ये सुदर्शन टीवी कौन से साल में शुरू किया था, और उस टाइम जो कांग्रेस सरकार थी जब आपने शुरू किया था, एंड प्रिज्यूमेबली कभी ना कभी तो कांग्रेस सरकार मोस्ट ऑफ द टाइम्स रही होगी? नहीं, शुरुआत ही तो शुरुआत ही 2005 जी। तो कितना मुश्किल था? देखिए, अभी कहीं ना कहीं थोड़ा आइडियोलॉजी के बारे में बात करना थोड़ा बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हमें पता है कि इंस्टीट्यूशनली शायद उतना हमें हाउंड ना किया जाए, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय तो हिंदुत्व की बात करना, हिंदुओं की बात करना ही उनके लिए सबसे बड़ा पाप था। हम देखे थे वो कम्युनल वायलेंस बिल भी लाना चाहते थे, जहाँ पे हिंदू ऑटोमेटिकली अग्रेसर ब्रांड हो जाते। तो उस समय हिंदुओं और हिंदुत्व स्पेसिफिकली की बात करना कितना मुश्किल था? ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपको याद है जो शुरुआती सालों में हुआ? बहुत है, बहुत। मतलब ये चैनल का लाइसेंस लेने के पहले ही सारा दिल्ली का लेफ्ट लिबरल तथा कथित लेफ्ट लिबरल मीडिया है, उसने पहली न्यूज लगा इंडियन एक्सप्रेस ने होम पेज पे, संग गोज ऑन ईयर, RSS अभी ऑन ईयर जा रहा है और सूरज चौहान के चैनल को शुरू करने जा रहे हैं। तो मुझे लाइसेंस लेने में ही दिक्कत शुरू हो गई, क्योंकि अटल जी की सरकार जा चुकी थी और मनमोहन जी की सरकार आ चुकी थी और मेरे लाइसेंस अंतिम फेज में था। तब लाइसेंस लेने के लिए जो फी कैपिटल होता था, वो कैपिटल इन्होंने 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। मेरे आखिरी दिन जिस दिन मुझे लाइसेंस मिलना था, उस दिन इन्होंने इसको डायरेक्ट 10 गुना बढ़ा दिया। लेकिन ईश्वर की इच्छा थी, होता गया, लाइसेंस मिला। शुरू करने में दिक्कत आई, शुरू करने के बाद केबल वालों ने कैरी करने पे दिक्कत आई। उसके बाद आइडियोलॉजिकल थॉट पर मैं कहूँ तो मुझे एक सबसे बड़ा इंसिडेंस याद है, वैसे तो कई है, लेकिन जो दो इंसिडेंट्स ऐसे जिसको आज के हिंदुत्ववादी पत्रकारों को भी समझना चाहिए। पहला था कि मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और उस दंगों में मारा हिंदू जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद केवल दंगे 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 सब दिखा रहे थे। हमने कहा कि हमारे हिंदुओं पर हमला हुआ है, करने वाले फलाने हैं और पीड़ित जाट भाई है। उस समय पे प्रसारण मंत्रालय ने मुझे नोटिस भेजा और कहा कि आपने इस दंगे को भड़काया है। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी भी न्यूज चैनल पर दंगे भड़काने का एसएस तो कम से कम आरोप नहीं है, लेकिन वो हमारे ऊपर मुजफ्फरनगर के समय लगा। शोकॉज नोटिस जारी हुई, हमें कोर्ट में गए। सौभाग्य से उस कोर्ट में ऐसे जज थे कि जिन्होंने वो शो को देखा था और उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है और भारत में अभी तक तो कोई चैनल इस कारण से बैन भी नहीं हुआ, तो एकदम बैन करने जैसी स्थिति पर जाने के पहले सोचना चाहिए। और उन्होंने स्टे दे दिया हमारे ऊपर एक्शन को, हम चलते रहे। मुजफ्फरनगर दंगे एक ऐसा स्टैंड था हमारा जिससे हम पूरे विश्व भर में एक कठोर स्टैंड लेने में और सत्ता से टकरा कर खड़े रहने में जाने गए। दूसरा महत्वपूर्ण था कि मैं शिरडी से मुंबई आ रहा, दिल्ली आ रहा था, तो एयरपोर्ट पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें किसको सिक्योरिटी का एग्जम्पशन है। उस लिस्ट को मैं पढ़ रहा था तो आखिर में रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिखा था। तब मेरे पास एक फोन था जिससे मैंने फोटो खींचा और दिल्ली में आकर मैंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा दामाद किसके,
सोनिया के या सरकार के। सोनिया नाम लेने का मतलब था कि पूरे कांग्रेस हिल जाती थी। रॉबर्ट का नाम लेना तो तब तक किसी ने लिया ही नहीं था। तो मुझे एक बहुत बड़े मंत्री ने व्यक्तिगत स्तर पे फोन किया और उन्होंने कहा कि सुरेश जी बहुत जबरदस्ती, केवल नाम लेना ही बहुत ज्यादा है, आपका तो शो 2 घंटे बाद आने वाला है, लेकिन आप देखिए इस पर पुनर्विचार करें। मैंने कहा नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जो पूछेंगे सरकार जवाब देगी, हम दिखाएंगे। आपको पता होगा उसके बाद स्थिति बनती गई और बाद में रॉबर्ट वाड्रा का नाम हटाना पड़ा। तो ये दूसरा इंसिडेंट था। तीसरा, जाकिर नाइक के खिलाफ जब हमने बड़ा कैंपेन चलाया और जाकिर नाइक ने 5 करोड़ रुपए कांग्रेस के ट्रस्ट को डोनेशन दिया मेरे ऊपर कार्रवाई करने के लिए, 9 मुस्लिम सांसद उनके पास गए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास, और उसके बाद मनीष तिवारी ने हमको नोटिस निकाला और नोटिस निकालने के बाद फिर हम पर कार्रवाई की संभावना तैयार हुई, फिर हम कोर्ट में गए, फिर हमने स्टे लिया और फिर चैनल चलता रहा। जाकिर नाइक को एक्सपोज करने के लिए मैंने जो करीब 2500 डॉक्यूमेंट भारत सरकार को दिए थे, उसका ही परिणाम है कि आज जाकिर हिंदुस्तान में नहीं है। नुपुर जी, मुझे आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। सुरेश जी, आई एम सो सॉरी, मेरे यहाँ बारिश हो रही है तो शायद थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया, प्लीज बोलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप अभी पूछिए, मैंने 2 इंसिडेंट्स बता दिए। हाँ, तो उस टाइम ऐसे जो इंसिडेंट्स होते थे, और मुझे पता है कि अभी रिसेंटली भी आपके साथ बहुत कुछ हो रहा है, आपके डोर स्टेप पे लिटरली इस्लामिस्ट पहुंच गए थे आपके स्टूडियो को तोड़फोड़ करने के लिए और आपको रोकने के लिए, ताकि आपको यूपीएससी जिहाद का एपिसोड ना कर पाए। आपको क्या लगता है ये यूपीएससी जिहाद, क्योंकि मैंने दोनों एपिसोड देखे हैं और उसमें बड़ा फैक्चुअल सा एक आपका बेस रहा है कि ये संस्थाएं हैं, ये इनकी आइडियोलॉजी है, ये इनके एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी में जाते हैं, इस रीजन से जाते हैं, और ये इनके बैंक अकाउंट्स हैं और ये यहाँ से इनको फंडिंग आती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये एक यूपीएससी जिहाद का एक जो आपने प्रोमो चलाया, मैंने पर्सनली देखा है कि ये सारे के सारे मिल के कैस किस तरह से एक मुहिम चलाते हैं कि इसको बैन करिए, लेकिन सुदर्शन के खिलाफ मैंने पिछले 4 साल में ये पहली ऐसी मुहिम देखी है जहां पे सारे के सारे एकजुट हो गए, जो अपने आप को बड़े एलीट इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड समझते हैं, जो सुदर्शन का नाम तक नहीं लेना चाहते, उनको लगता है कि अरे हम तो बड़े एलीट हैं, हम सुदर्शन का नाम तक नहीं लेंगे, हम सुदर्शन को इग्नोर करेंगे, वो भी जुट गए ये बोलने में कि सुदर्शन को बैन करना चाहिए और आपको जेल में डालना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये एक एपिसोड इतना क्या हुआ कि सारे के सारे मिलकर आपके पीछे लग गए? 2 प्रश्न है। पहला तो इन्होंने बीच में मेरे खिलाफ बोलना इसलिए बंद किया था कि ये मेरे खिलाफ सब कुछ कर चुके थे। मैंने कहा ना, ऐसी कोई एजेंसी भारत सरकार की नहीं बची थी जिसने मुझे रोकने का प्रयास नहीं किया। तो इन्होंने देखा कि इसका कुछ हो नहीं सकता, और इस बार भी जो मेरे खिलाफ कैंपेन था उसमें बार बार ये यही कह रहे थे कि वैसे इसका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इनको लगा कि हम एक अंतिम हथौड़ा मार के देखते क्या होता है। लेकिन इसको मैंने कहा कि हम दो, हमारे दो तो सबके दो। ओ, लोकतंत्र के 4 स्तंभ में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ विधि पालिका में मुसलमानों की घुसपैठ को रोकने का अभियान था, और ये वाला अभियान है जो नौकरशाही में षड्यंत्र पूर्वक कैसे घुसने वाले मुसलमानों को रोका जाए इसलिए था। अब पार्लियामेंट में या विधायिका में घुसना इतना आसान तो है नहीं, अब उसके लिए जितना पड़ता है, उसके लिए इनके पास 15 वर्षों का प्लान है। 15 वर्षों बाद तो ये वहां पर बहुसंख्यक हो जाएंगे या परिणामकारक हो जाएंगे। लेकिन विधि पालिका में घुसने के लिए इंदिरा गांधी ने माइनॉरिटी के लिए 15 पॉइंट्स प्रोग्राम लाया था, वो चलता रहा, सरकारें बदलती गई, थोड़ा कम ज्यादा होता रहा। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार आने के बाद उनके ओएसडी जो थे, जो कि फाउंडर ऑफ जकात फाउंडेशन इंडिया के है, उन्होंने इसको बड़े ही सिस्टमेटिकली खाड़ी देशों का दबाव लाके और तमाम साम दाम दंड भेद के साथ ऐसी व्यवस्था निर्माण की कि
नौकरशाही का ऊपर मुसलमानों का कब्जा हो जाए। अच्छा, मैं जब कब्जा कह रहा हूं ना, तो एक मेरा अकेले का शब्द नहीं है, मैंने तो वीडियो भी दिखाया है कि ये लोग खुद कह रहे हैं कि हमको कब्जा करना है। और इतना ही नहीं, मैंने कल के एपिसोड में शब्द बदल दिया, अब मैं नौकरशाही पर कब्जे की बात नहीं कर रहा हूं। मुसलमान तो अब हिंदुस्तान पर कब्जे करने का पीपीटी प्रेजेंटेशन ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे डाला हुआ है। तो बताइए, इसके खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो हमने तय किया कि इसके खिलाफ बोलेंगे, और बोलना शुरू किया है। दो एपिसोड हुए, ये हमको रोक नहीं पाए हैं। तो ये जो आपके ऊपर सबसे बड़ा, आपके क्या मेरे ऊपर भी, लेकिन आज आपकी बात करते हैं, कि आप सबसे बड़ा इल्जाम जो लगता है कि हम ये कर रहे हैं क्योंकि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, हम जिहादियों के खिलाफ नहीं हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, ये बोलना। मुझे आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया, लेकिन अभी इतने दर्शक जुड़े हैं तो दोबारा बोलूं, मैं अंदाज लगाता हूं कि आपने क्या पूछा होगा, इस आधार पर ही उत्तर दे देता हूं कि जब ये इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो देखिए रोका कैसे। पहले सोशल मीडिया पर, उसके बाद पुलिस स्टेशन में, 1760 पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ लिखित कंप्लेंट की गई, तमाम जगह पर एफआईआर हुए, कितनी जगह हुए गिनने के लिए भी हमने समय नहीं व्यस्त किया, हमने कहा देखेंगे क्या होगा जब आएंगे गिरफ्तार करने उस राज्य के पुलिस, तो इतने जगह। फिर ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी के पास गए, ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के पास गए, उसके बाद प्रसारण मंत्रालय के पास गए, 9 राज्यों के उच्च न्यायालयों में गए, सर्वोच्च न्यायालय में गए, सर्वोच्च न्यायालय ने प्री टेलीकास्ट रोकने से मना किया, तो हाईकोर्ट दिल्ली गए, वहां से इन्होंने स्टे लिया, और उसके बाद जब सरकार को पूछा गया, सरकार ने अनुमति दी, दोबारा ये हाईकोर्ट गए, वहां भी हम नहीं रुके, तभी हमारे गेट पर आकर, हालांकि 15 वर्षों में पहली बार हुआ है नूपुर जी ऐसा कि कोई जिहादी सुदर्शन के गेट तक आने की हिम्मत जुटा पाया है। और ये मेरे शो के विषय के संदर्भ में था, भले ही देश में प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री लोह पुरुष अमित शाह हो, यूपी में योगी जी हो, लेकिन सुदर्शन का कार्यालय जिस 58 थाने में आता है, वहां पर जो खान नाम का एसएचओ था, उसने 15 दिन से चल रहे हंगामे के बावजूद सुदर्शन में सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई। तो ये मैं जो जिस मुद्दे को लेकर कर रहा हूं, ये उसका परिणाम था। वो लोग आए, हमला किए, जो भी हमारे सुरक्षा रक्षकों तक ही गए, अंदर तो नहीं आ पाए, क्योंकि हम भी सारी सामदाम दंड भेद के साथ ही चलते, हमको पता है कि सत्ताएं आती है जाती है, अपनी सुरक्षा अपने को खुद करनी चाहिए, तो इसलिए। और अब ये भी जानती है कि ये लोग जब भी मेरे फोटो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो बंदूकों के साथ, ऑटोमेटिक गन के साथ, तलवारों के साथ, तो ये मेरे पास है भी और लाइसेंस की है, मैंने अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी बनाई है, सुरक्षा सुदर्शन रक्षक बल, और उसके पास अत्याधुनिक हथियारों के साथ हमने अपनी व्यवस्था खुद की है, और ये संविधान मुझे छूट देता है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। इसलिए इन्होंने रोकने के सारे प्रयास किए, फिर भी हम इस शो को चला रहे। अब महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये आते हैं, इसमें क्या है, देखिए, एक साधारण एसएचओ भी अगर सुदर्शन की ये स्थिति कर सकता है, तो सोचिए कि जामिया के जिहादी अगर विभिन्न जिले के जिलाधिकारी होंगे तो क्या होगा। ये मेरा जो प्रश्न है, इसके उत्तर हिंदुस्तान जहां जहां ऐसे लोग रोज भुगतता है, हाँ बोलता नहीं है या उनको चैनल अपना आवाज नहीं देता, इतना ही फर्क है ना। देश के किसी भी राज्य के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी भी नेता को आप पूछिए कि आपको आपका काम एग्जीक्यूट करने में अड़चन क्या है, तो बोलता है कि अरे ब्यूरोक्रेसी सुनती नहीं है। तो अगर ब्यूरोक्रेसी आज ही नहीं सुन रही है तो 25 साल बाद क्या स्थिति होगी, 20 साल बाद क्या स्थिति होगी। मैं प्रश्न पूछती हूँ सुरेश जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे, अभी तक नहीं आ रहा, अभी लाइव चालू हो, अब आ रहा है क्या, कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू, आप सुन पा रहे हैं मुझे सुरेश जी? एक सेकंड, आप अब मुझे सुन पा रहे हैं? लवर कॉल, फोन से चाहे तो ऑडियो लेते हैं, नहीं सुनना चाहिए क्योंकि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरा आवाज तो लाइव स्ट्रीम में जा रहा है। हाँ हाँ, आपका जा रहा है, लेकिन आई डोंट नो ये मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही है। आप ये फोन उठाइए, इस फोन से आप मुझे, मैं कर रही हूँ। तो ये अभी तक कॉल लगने तक मैं दर्शकों को बता दूंगा, अभी तक 2 एपिसोड हो गए हैं, आज 3रा एपिसोड है, और मैं कम से कम 10 एपिसोड इस मुद्दे पर करूंगा, इतनी मेरे पास योजना है।
ये भले रोकने का कुछ भी प्रयास करें, किसी भी हालत में ये अभियान हम चलाएंगे और उसके बाद इस मुद्दे को हम करेंगे। नुपुर जी, आपके पास कॉल आ रहा है, उसको अगर उठाएंगे तो हम टेलीफोन से आवाज ले लेंगे। सुरेश, बंद करना। अरे यार, ये बिल्कुल आ रहा। हेलो, माजा भी जाते हैं ना। हेलो, हाँ जी, सुरेश जी का फोन है ना, ये पॉडकास्ट के लिए उनसे बात करनी है। तुझे जो नाम आपको एक दूसरे नंबर से फोन आएगा, तब तक मैं इधर कंटिन्यू करता हूँ। मुझे लगता है लाइव स्ट्रीम पे तो आवाज जा ही रही है। हाँ हाँ, जा रही है, दर्शक इसको सुन पाएंगे। तो दूसरे नंबर से फोन आ रहा है, देखिए, जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। दर्शकों, ये मुद्दा मैंने क्यों उठाया, ये मुद्दा उठाने का कारण महत्वपूर्ण यह है कि नौकरशाही पर कैसे कब्जा किया जाए, इसकी योजना बनाकर ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया भारत में काम कर रहा है। और मैंने जो 10-11 मुद्दे उठाए, ये ओपन इंडिया के दर्शकों को पता होने चाहिए, दुनिया तक जाने चाहिए, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी लेता हूँ। पहला मुद्दा यह है कि मेरा आपत्ति क्या है। पहली आपत्ति यह है कि जो मुसलमान है वो माइनॉरिटी का भी बेनिफिट लेते हैं, जबकि वो भारत में माइनॉरिटी, उनको मानने का कोई कारण नहीं है। वो संख्या में ऑलरेडी इतनी बड़ी संख्या में बढ़ चुके हैं और विश्व में कहीं पर भी इतने करोड़, 30-40 करोड़ की आबादी माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। तो पहला तो माइनॉरिटी का बेनिफिट लेते हैं। मुझे बताइए, कोई मुसलमान अगर यूपीएससी के एग्जाम देने जाए तो सरकार उसको लाखों रुपए देती है, और एक हिंदू भाई अगर उसको यूपीएससी की एग्जाम देनी है तो उसको अपने माँ का मंगल सूत्र बेचना पड़ता है, और उसको अपने पिता की जमीन को गिरवी रखना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई भेदभाव क्यों, यह हमारा पहला प्रश्न, और यूपीएससी जगह पर भेदभाव क्यों, और इसलिए मैं मानता हूं कि ये गलत है। दूसरा, ये एक तरफ मुसलमान बनते हैं जिसमें ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे में जाति नहीं है, दूसरी तरफ यूपीएससी में ओबीसी और एसटी का बेनिफिट लेते हैं। दो बेनिफिट एक समय एक ही सरकार का एक कैंडिडेट कैसे ले सकता है? अच्छा, लेता है तो क्या करता है, हमारे ओबीसी भाइयों के, हमारे दलित भाइयों की आईपीएस आईएएस बनने की संभावनाओं को उससे कम कर देता है। कितना कम कर देता है? 60% तक, 60। मतलब हमारा ओबीसी भाई जो आईएएस आईपीएस बन सकता है वो 60% उसकी संभावना केवल इसलिए घट जाती है क्योंकि मुसलमान जो जाति नहीं मानता, धर्म के नाम पर जो सरकार से पैसे लेता है, वो दलित बनकर यूपीएससी के एग्जाम देता है। उस कारण उसको क्या बेनिफिट मिलता है? उसको बेनिफिट मिलता है कि उसको परीक्षा देने की 6 के बजाय 9 अटेम्प्ट मिल जाते हैं, उसकी उम्र 32 के बजाय 35 हो जाती है, उसके कारण उसको अन्य जो फैसिलिटीज मिलती हैं, ये तो है ही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, नुपुर जी, पूरे हिंदुस्तान ने यह मुद्दा सुनना चाहिए कि उर्दू के कारण सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है। उर्दू पेपर बनाने वाला मुसलमान, उर्दू पेपर देने वाला मुसलमान, उर्दू पेपर चेक करने वाला मुसलमान, तो यूपीएससी की उस भावना का इसमें खंडन होता है जिसमें यूपीएससी पेपर देने वाले कैंडिडेट के पहला पेज जिसमें नाम नंबर सब लिखा होता है हटा देती है और एक कोड देती है उससे, जिसे कि आइडेंटिटी छुप जाए। लेकिन उर्दू भाषा लेने के कारण व्यक्ति की व्यक्तिगत आइडेंटिटी तो छुप जाती है लेकिन उसकी धार्मिक आइडेंटिटी बरकरार रहती है, जिस कारण वो व्यक्ति कौन है ये परीक्षा का पेपर चेक करने वाले व्यक्ति को पता चलता है और वहां फेवर होता है। इसका आप कहेगी या कोई कहेगा कि इसका सबूत क्या है, तो सबूत ये है कि भारत की सारी प्रमुख भाषाएं, जितनी भाषाओं में यूपीएससी का एग्जाम होता है उनमें सबसे ज्यादा रिजल्ट उर्दू लेने वाले का है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो मैं दावा कर रहा हूं ये उससे सही साबित होता है, और इसलिए उर्दू भाषा पर भी मेरी आपत्ति है। ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। हाँ, तो मैं बीच में, हाँ, बीच में मैं एक आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि आपने बोला जामिया के जिहादी, अब जामिया ने लिस्ट डाली है जहां वो बोल रहे हैं कि वहां से सिर्फ मुसलमान ही नहीं निकलते जिनको आप बोल रहे हैं कि उनकी प्रवृत्ति जिहादी प्रवृत्ति है,
किंतु वहां से हिंदू भी निकल रहे हैं। ऐसा है कि जामिया में जो सेंटर्स है जहां पे यूपीएससी की पढ़ाई होती है वहां से हिंदू भी निकल रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो जामिया के जिहादी है? ये झूठ है जो ये बता रहे हैं ना, वो ये कैसे झूठे में बताता हूँ। जामिया मतलब क्या है, जामिया में एक सेंटर दिया हुआ है भारत सरकार ने, मनमोहन सिंह ने। इसमें भी बड़ा भेद है कि भारत में जो सपोर्ट करने के लिए कोचिंग सेंटर दिए गए 5, उसमें से 4 मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है और एक मुस्लिम बहुल एरिया में है। जामिया में जो सेंटर चलता है जिसको RCA कहते हैं, उसमें मुस्लिम कैंडिडेट मतलब दूसरे सारे कैंडिडेट को, नॉन मुस्लिम को जो लेने की बात आती है वो आती है प्रिलिमिनरी पास करने के बाद। वो अपना रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए, जिसको आजकल वो दावा करते हैं ना कि हमारा भारत में सबसे अच्छा रिजल्ट आया। सबसे बड़ी मुसीबत तो प्रिलिमिनरी कास्ट क्रैक करना ही होता है, तो जब वो क्रैक कर लेता है प्रिलिमिनरी व्यक्ति कोई भी, उसके बाद ऐड निकालते हैं कि जो भी प्रिलिमिनरी क्रैक कर चुका है अब हमें अप्रोच करे, हम उसको भी अपने यहाँ पर लेंगे। तो गैर मुसलमान को भी वहां लेते हैं, जिस कारण उनका रिजल्ट का रेशो बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें तो उनका कोई रोल नहीं है, वो तो ऑलरेडी क्रैक कर चुका है। और जब वो मेंस क्रैक करता है फिर विज्ञापन निकालते हैं कि अभी इंटरव्यू के लिए आप आवेदन करें। ये है, तो आप बोल रहे हैं कि वो जो हिंदुओं को लेते हैं वो सिर्फ अपना रेशियो, सक्सेस रेशियो बढ़ाने के लिए लेते हैं, और ये सक्सेस और पैसे लेने के लिए, क्योंकि भारत सरकार से पैसा तभी मिलेगा जब उसमें ये सारे अल्पसंख्यकों को लेंगे। लेकिन आपको पता है, उनका एक विज्ञापन मैं दिखाने वाला हूँ जिसमें वो सिख नहीं लिखते, जबकि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में सिख भी अल्पसंख्यक है। लेकिन जब RCA जामिया ने विज्ञापन निकाला तो एक विज्ञापन मेरे पास ऐसा है जिसमें सारे अल्पसंख्यकों के नाम लिखे, सिख का नाम नहीं लिखा है। क्यों? ये मैं प्रश्न आपके इस इंटरव्यू से पूछ रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है वो सिख का नाम क्यों नहीं लिखा है, अगर सारे अल्पसंख्यकों का नाम लिखा है, मुसलमान का नाम लिखा है, तो सिख को ही क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये तो अभी जैसे शहीन बाग में हमने देखा, ये काफी नाटक कर रहे थे कि सिख और मुसलमान भाई भाई है, दलित और मुसलमान भाई भाई है। इनफैक्ट दिल्ली के जो चार्जशीट है उसमें ये तक लिखा हुआ है कि मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को अराउज करने के लिए ये कहा गया कि अगर आज हम स्टैंड नहीं लेंगे तो हमारी वही हालत होगी जो 1980 में सिखों की हुई थी। तो ये सिख और मुसलमान भाई भाई, दलित मुसलमान भाई भाई, ये ट्रोप तो ये बड़ा यूज करते हैं, लेकिन तो आपको क्यों लगता है कि उसमें सिख क्यों नहीं इंक्लूडेड है? नहीं, इसका तो जवाब उन्होंने देना चाहिए ना। मैं मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री को इस इंटरव्यू से प्रश्न पूछता हूं कि ऐसा होने पर उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई का मेरे पास अभी तक जानकारी नहीं है। मैं जामिया के लोगों को इंटरव्यू में बुलाने वाला हूं। मेरे पास जामिया के 6,500 पन्नों का काला चिट्ठा है जिसमें अमित शाह को गिरफ्तार कर टॉर्चर करने वाला एक IPS ऑफिसर भी फंसता है और एक राज्य का लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा व्यक्ति भी फंसता है। आज मैं सारा खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस पर स्पेशल एपिसोड करने वाला हूं, लेकिन कोई नहीं बचेगा। और ये सब कुछ कोई बचेगा नहीं, इनको पता था, इसलिए तगड़ा विरोध था। और आपने कहा ना सिख भाइयों का, आपको पता है दलित भाइयों के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र, ये जो मीम और भीम की युति की बात करते हैं ना, अलायंस की बात करते हैं, ये बेमानी है। ये तो बात पाकिस्तान बना तब भी साबित हुई है, जोगेंद्रनाथ मंडल का सत्य हम जानते हैं, इस बार भी साबित हो रही है। ये UPSC में अगर किसी का अधिकार छीन रहे तो दलितों का ही छीन रहे। और उससे भी बड़ी बात, भारत में जितनी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है, ये जकात के फाउंडेशन के प्रेजेंटेशन पर आप जाइए, उन्होंने उस पर लिखा है कि भारत में जितनी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें 53% कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान संख्या में ज्यादा है, ST ST से ज्यादा, इसलिए उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से हटाया जाए तो भारत के संसद में मुसलमानों की संख्या बढ़ सकती है। तो भाई ये तो दलितों के अधिकार छीन रहे हैं ना, लेकिन ये कोई एक्सपोज नहीं कर रहा था तो चल रहा था। अब हिंदुस्तान के तमाम दलित नेताओं के मेरे पास फोन आए हैं, जो BSP के है, SP के है, कांग्रेस के है, उन्होंने कहा कि सूरज जी अगर ये सत्य है हमको आंकड़े दीजिए। मैंने आंकड़े भेजे, उन्होंने देखे। एक व्यक्ति तो ऐसा है कि थोड़े दिन पहले भाजपा का सांसद था, अभी कांग्रेस में गया है, उसने मुझे कहा कि अगर ये मैं आंकड़े सारे चेक करता हूं और मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। दलित अब ठगा हुआ महसूस होने का सबूत, लाइव सबूत मैं देने जा रहा हूं।
तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक अब ये यूपीएससी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि अगर आप प्रूव कर रहे हैं कि जिहादी प्रवृत्ति के लोग यूपीएससी में जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, तो भारत के हित की तो बात नहीं होगी। क्योंकि मैंने भी ज़कात फाउंडेशन का आप जो प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं मैंने भी पढ़ा है, उसमें डिलिमिटेशन की बात की गई है, जो शायद उसी लाइंस पे है जिस लाइंस पे जिन्ना बात करते थे, जिन्ना भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करते थे, और वो एकदम सेम नहीं है बट उसी लाइन पे है जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को हक दिया जाए कि वो सिर्फ एक मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव चुन पाए। तो ये काफी हद तक जिन्ना की आइडियोलॉजी में जा रहा है, और अगर ज़कात के थ्रू उसी प्रवृत्ति के लोग अगर जा रहे हैं यूपीएससी में, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत वरीसम ट्रेंड है, और आपके मुहिम में हम भी आपके बिल्कुल साथ हैं। लेकिन अब आप एक दो और क्वेश्चंस पे चलते हैं। नहीं, आपने आपने जीना का पूछा ना, मैं जीना का बता देता हूँ, क्योंकि हमारे राष्ट्रवादी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, मैं जानता हूँ। और जीना अब तब भी था, जीना ने ही पहला नारा दिया था कि ब्यूरोक्रेसी में घुसिए, विधि पालिका में घुसिए, वो अभी भी जिंदा है। अभी भी कहा जिंदा है, जीना अभी भी इस पूरे सिस्टम में जिंदा है। इतना ही नहीं, जो 5 केंद्र दिए गए आईएएस ऑफिसर बनाने की यूपीएससी एग्जाम के, उनमें से एक एएमयू में दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां के दीवार पर अभी भी जिन्ना टंगा हुआ है, और उस जिन्ना के साथ इस देश का एक पूर्व उपराष्ट्रपति रहा, जिन्ना भी टंगा हुआ है। वहां से निकलने वाला यूपीएससी का कैंडिडेट जिहादी नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा, वही होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि यह संकोच का समय नहीं है, यह सीधी बात करने का समय है। हमारे YouTube अकाउंट डिलीट हो सकते हैं, Twitter अकाउंट डिलीट हो सकते हैं, चैनल बंद हो सकते हैं, लेकिन गुलाम होकर मरने से अच्छा है कि टकरा कर मरेंगे। अगर टकराने में कामयाब रहे और रोकने में कामयाब रहे तो देश बच जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि सत्य बोलना ही होगा। आपके खिलाफ एक क्रिटिसिज्म जो है, जो लेफ्ट की तरफ से आता है या जो दूसरी तरफ से आता है, वो ये है कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, आप एक बिगट हैं जो मुसलमान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, और अगर मुसलमान यूपीएससी में जा भी रहे हैं, सिविल सर्विसेज में जा भी रहे हैं, तो ये हमारी बिगटरी है जो ये सोच रही है कि यार मुसलमान है तो वो जिहादी ही निकलेगा, वो देशभक्त भी निकल सकता है, वो मोस्टली देशभक्त ही होगा। तो आपके ऊपर ये वो बोलते हैं कि आप ऐसा मुहिम चला रहे हो क्योंकि आप मुसलमानों के खिलाफ हो, आप जिहादियों के खिलाफ नहीं हो, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ नहीं हो, आप मुसलमानों के खिलाफ हो, और आप उनको इस तरह से स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं क्योंकि आप उनके पूरे कौम के अगेंस्ट काम करते हैं। तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, क्या आप मुसलमानों के खिलाफ है? मैं हर उस व्यक्ति के खिलाफ हूँ जो इस भूमि को अपनी जन्मभूमि, अपनी पितृभूमि और अपनी पुण्य भूमि नहीं मानता। वो हिंदू भी होगा तो भी मेरे लिए वो दुश्मन है। इस देश का जो मुसलमान ये मानता है कि ये भूमि मेरी मातृभूमि है, मेरे पुरखों की भूमि है और मेरी पुण्य भूमि है, जो बाबर को अपना वंशज मानेगा वो मेरा नहीं हो सकता। इस देश का कई बड़े संख्या में मुसलमान है जो मुझे आज भी अच्छा मानते हैं, शाहनवाज हुसैन मानते हैं, अभी भी केरला के जो राज्यपाल है उनको मेरे बारे में राय पूछिए, उन्होंने अभी सुदर्शन का 15 वर्ष पूर्ण होने पर वीडियो भेजा है। इस देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मेरे बारे में क्या कहते हैं सब लोग जानते हैं, उन्होंने तो मुझे कभी कट्टर नहीं कहा। तो मैं उस मुसलमान के खिलाफ हूं जो इस देश में कर्तव्य के पहले अधिकार की बात करता है। तो आप ये बोल रहे हैं कि आप उन मुसलमानों के खिलाफ और आप उन हिंदुओं के खिलाफ भी हैं जो देश हित की बात ना करें। बिल्कुल। तो आपने कभी हिंदुओं के लिए, तो अब ये वो पूछेंगे, आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, वो ये पूछेंगे कि आपने कभी हिंदुओं को तो पिन पॉइंट नहीं किया कि ये हिंदू जो इस प्रवृत्ति के है वो यूपीएससी में घुस रहे हैं या वो सिविल सर्विसेज में घुस रहे हैं? मैंने मतलब यूपीएससी पे बात पे आते हैं, मैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोलता हूँ। तो दिग्विजय सिंह क्या है? हिंदू है। अब मैंने उनको पूछा था कि मैं आपको श्री, नहीं नहीं, मैंने उनको इंटरव्यू में पूछा था कि मैं आपके नाम के पहले श्री लगाऊं कि मोहम्मद लगाऊं, तो उन्होंने कहा था श्री लगाइए, इसका वीडियो है। खैर, मैंने सबसे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसका सबसे पहला विरोध मैंने किया था, और उसके सुरेश कलमाड़ी एक हिंदू थे ना,
अब इनको हिंदू मानना है कि नहीं बात हो रही, लेकिन हिंदू ही थे ना। ऐसे कितने उदाहरण दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने गलत किया उनके हम खिलाफ है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री येदुरप्पा ने एक वर्ष बजट में संस्कृत को पैसे नहीं दिए और उर्दू को दिए, तो हमने उनका भी विरोध किया। तो राजनीतिक मुद्दे के आधार पे कहे या धार्मिक मुद्दे पे आधार पे हम सबका विरोध करते हैं। सही बात है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। सुदर्शन न्यूज के आज जब हम हिंदी चैनल्स देखते हैं, चाहे वो कोई भी चैनल हो, चाहे वो रिपब्लिक हो, आज तक हो या और कोई भी हिंदी चैनल हो, एक एलिमेंट ऑफ ड्रामेटाइजेशन रहता है हिंदी चैनल्स में जो इंग्लिश से कहीं ज़्यादा होता है। वो एक एक नेचर है हिंदी चैनल्स का। लेकिन कई जो आपके समर्थक भी हैं वो ये बोलते हैं कि शायद अगर आप थोड़ा ड्रामेटाइज ना करके मुद्दे पर ध्यान दें तो हो सकता है वो बात ज़्यादा लोगों को समझ में आए और उसकी जो गंभीरता है वो ज़्यादा लोगों को समझ में आए। तो आप उनके लिए क्या बोलेंगे और आप क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये ड्रामेटाइजेशन एलिमेंट हिंदी न्यूज़ में एंड सुदर्शन न्यूज़ में क्यों आता है? नहीं, मैंने आपका ट्वीट भी पढ़ा था जिस दिन आप मेरा समर्थन कर रही थी, लेकिन हमें बात करने का मौका नहीं मिला। देखिए, मुझे पता नहीं कि किसको ड्रामेटाइजेशन कहा जा रहा है। मैं स्क्रीन पे गणेश जी की पूजा करता हूँ शो करने के पहले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की करता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की करता हूँ, मैं 15 अगस्त पे पगड़ी पहनता हूँ, दशहरे के दिन में तलवारों की पूजा। इसको किसको ड्रामेटाइजेशन कहा जा रहा है मुझे पता नहीं। अगर आप थोड़ा क्लियर करेगी तो मैं थोड़ा उत्तर दे पाऊंगा। इसी को कहा जा रहा है सुरेश जी, आप ये तो मेरी परंपराओं का निर्वहन है, ये तो मैं अपनी परंपराओं का निर्वहन है। कुछ साल पहले ये करने से लोग कतराते थे। मैं जो कुर्ता पैजामा पहन के बैठा हूँ ना, टीवी चैनल पर लोग पहन के आते थे क्या? अभी आ रहे हैं, अभी केवल 15 अगस्त पे दिवाली पे आते थे, अभी सब आने लगे हैं। तो ये तो देखिए, मुझे तो फाइनली रूट्स की तरफ लोगों को लेके जाना है ना। हमको डी रूट किया गया है और इसलिए रूट्स की तरफ लेके जाने के लिए हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों को भूलकर नहीं चलेगा। तो आप ये एक हिंदी भाषा और जो एक हिंदू अपने धर्म को अपने स्लीव पे पहनने का ये जो एक ट्रेंड चला है, इससे लोगों को लगता है कि कट्टर हिंदू ऐसा करते हैं। अब कट्टर मुसलमान कौन होता है ये हम जानते हैं, कट्टर मुसलमान क्या करता है ये हम जानते हैं। अब कट्टर हिंदू की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? क्योंकि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कट्टर मुसलमान और मॉडरेट मुसलमान को हम बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल हिंदू और एक कट्टर हिंदू में क्या अंतर होता है आपके हिसाब से? क्योंकि मुझे आज तक ये अंतर समझ में नहीं आया है। जो डरा हुआ हिंदू और मूर्ख हिंदू है वो छोड़कर जो हिंदू बचता है उसको लोग कट्टर हिंदू कहते हैं। आपके हिसाब से डरावा हिंदू और मूर्ख हिंदू कौन है? जिसको ये समझ में नहीं आता कि भाईचारे का भंग की नशा उतर नहीं रही है, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम सचमुच में जो हमको जो अपने बहन के भाई नहीं हुए हमारे भाई हो सकते हैं क्या? ये जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको मैं मूर्ख मानता हूं। और डरा हुआ मैं उसको मानता हूं कि जिसको लगता है कि अरे ऐसा हो जाएगा तो देश कट जाएगा, देश विभाजित होगा। अरे भाई, कौन देश विभाजित करेगा? 1 सेंटीमीटर भूमि इस देश के अभी किसी को देने नहीं देंगे। ओ जमाना गया, किसी बापू के प्रभाव में आकर जो गलती हो गई हो गई, अब नहीं होगी। इसलिए जो डरा हुआ है उसको भी समझना चाहिए कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है। अब गांधी जी और महत्वपूर्ण इसका परिणाम देखिए। मैं कहता हूं कि चलो कट्टरता कोई अच्छी नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। कोई हिंदू ज्यादा से ज्यादा कट्टर होगा तो भी कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन मुसलमान कट्टर होगा तो देश तोड़ेगा। आप मुझे बताइए कि हिंदू मैक्स कट्टर होकर क्या कर पाएगा या क्या किया है उसने आज तक? कुछ नहीं किया है। यही मैं बोल रही थी कि एक कट्टर मुसलमान की डेफिनेशन हम जानते हैं। आज कट्टर मुसलमान ने ही 9/11 किया था, कट्टर मुसलमानों ने ही दिल्ली के दंगे किए थे, क्योंकि उनको लगता है कि उनके उनका एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काफिरों को मारना। और हिंदू के लिए ऐसा कोई डेफिनेशन है नहीं। हमारे लिए सब लोग एक जैसे ही रहते हैं जब तक वो हमारे नाक के पास नहीं आ जाते या पानी हमारे नाक के ऊपर से नहीं चला जाता। अब गांधी जी के ऊपर बात करते हैं सुरेश जी, बिकॉज मैंने आपका बहुत सारा ट्वीट्स भी पढ़ा है, आपके बहुत शोज भी देखे हैं,
जिनमें आप गांधी जी को, एमके गांधी को आप काफी हद तक क्रिटिसाइज करते हैं, और ये शायद एक चीज है जो आपके खिलाफ बार बार उठती है कि आप गांधी के खिलाफ हैं। तो आप प्लीज बताइए कि आप गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि आपने अभी भी बोला कि वो जमाना लद गया जहां पे हम किसी गांधी के इन्फ्लुएंस में आके विभाजन करने दें, तो आप गांधी नहीं, के नहीं नहीं देखिए, मैं संपूर्ण गांधी का विरोध नहीं करता और मैं संपूर्णता किसी को भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया कि अनेक अपूर्णांक लेके पूर्णांक करना है, और हम हर मनुष्य में कोई ना, हमारे भगवान अवतारों में भी कोई ना कोई दोष माना गया है। तो हम तो गांधी को क्रिटिसाइज न करना गांधी को न करना है, क्योंकि गांधी खुद कहते थे कि मेरा आंख बनकर मेरी सारी बातों को मत स्वीकारो, अगर कोई चीज गलत है तो गलत कहो। तो मुझे गांधी की कई बातें गलत लगती है जिसका मैं खुल के विरोध करता हूँ, और वो करना मेरा अधिकार है, और इस देश की लोकतंत्र मुझे स्वतंत्रता देता है, कोई मेरे भगवानों की भी करता है, मैंने तो किसी भगवान की नहीं की, आज तक मैंने अल्लाह के खिलाफ नहीं बोला, आज तक मैंने यीशु के खिलाफ नहीं बोला, मैं इस्लाम के साम्राज्यवादी विचार के खिलाफ हूँ। गांधी के बारे में मेरा यही कहना है कि गांधी के कई निर्णय, देखिए क्या होता है, टीम में सचिन तेंदुलकर कैप्टन भले ही ना हो, लेकिन जब सचिन उतरते थे और अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते थे तो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जो किया जाता था वो सचिन का किया जाता था, भले कैप्टन कोई और होता था। उस वक्त हिंदुस्तान ने अपना सर्वस्व गांधी को दिया था, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करता लेकिन कम से कम अहिंसा की बात करने वाले लोगों को लगता था, गांधी ने कहा था कि मेरे मृत शरीर पर इस देश का विभाजन होगा, अगर होना है तो मेरे जीवित रहते विभाजन नहीं होने दूंगा। उनके ऐसे कहने के कारण करोड़ों हिंदू पाकिस्तान में रहे, वो यहां आ सकते थे, लेकिन उनको लगा कि अरे जब गांधी गए ना तो विभाजन नहीं होगा, वो वहां फंस गए, आज ये स्थिति पैदा हो गई। अगर तब बाबा साहब अम्बेडकर का कहना माना होता कि सारा अंतिम मुसलमान जब तक पाकिस्तान नहीं जाता और अंतिम हिंदू भारत नहीं आता तब तक मैं इस विभाजन को नहीं मानूंगा, अगर ऐसा हो चुका होता तो आज मेरी इंटरव्यू इस मुद्दे पर आपको करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैंने भी इस पे एक लेख लिखा था जहाँ पे मैंने बोला था कि फुल पॉपुलेशन एक्सचेंज शायद उस समय अगर हो जाता तो इतना खून खराबा ना तब होता ना अब होता। लेकिन तो गलती सुधारी जा सकती है। अब आपको कैसे लगता है कैसे सुधारी जा सकती है? क्योंकि देखिए आज करोड़ों मुसलमान कांट विश देम अवे, वो है हमारे भारत के नागरिक है, तो अब हम गलती कैसे सुधारे? देखिए मैं कभी अधूरी बात नहीं करता क्योंकि अधूरी बात करके पूर्ण समाधान नहीं हो सकता, इसलिए सही समय पर सही बात करूंगा, और मैंने आज तक जो भी बात की है शुरू में इग्नोर हुई, बाद में विरोध हुआ और बाद में एक्सेप्ट हुई है, ये 15 साल का इतिहास है। तो मैंने आज हिंट दे दिए हिंदुस्तान को आगे की कुछ बाद में इस पर बात करेंगे। आप इस पर बाद में बात करेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं? करना ही होगा, कोई चारा नहीं। आज इंडिया में हम बोलते हैं कि हमने, कई लोग बोलते हैं कि हमारा संविधान जो है वो एक सेक्युलर डॉक्यूमेंट है जो स्टेट और रिलीजन में एक डिस्टेंस बनाकर रखता है, मतलब हमारे स्टेट का, भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, विच इज वाई वी आर अ सेक्युलर नेशन। कुछ दिन पहले मैंने एक जिहाद वॉचर हैं, ग्लोबल जिहाद वॉचर रॉबर्ट स्पेंसर, उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि जब तक यूरोप में क्रिश्चियनिटी वाज अ स्टेट रिलीजन तब तक वो बहुत आसानी से जिहादियों से लड़ पाए और जिहादियों को अपने देश से और अपने कल्चर से दूर रख पाए। इंडिया में जब तक वो एक फेथ हिंदुइज्म और सनातन धर्म में था हम जिहादियों को दूर रख पाए, इसीलिए मुसलमानों को 500 साल से ज़्यादा लगे इंडिया में फुटिंग लेने के लिए। लेकिन आज हम एक सेक्युलर नेशन है, यूरोप भी सेक्युलर नेशन है और वो कई हद तक जिहादिज्म के पैर पर गिर चुका है। आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया सेक्युलर नेशन ना होता और हम एक हिंदू राष्ट्र होते तो क्या हमारे पास वो आर्मर ज्यादा होता जिहादिज्म से लड़ने का? और आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन क्या है? दो प्रश्न है। पहला तो सेक्युलरिज्म के बारे में जो आपने कहा, तो मैं ये मानता हूं कि विश्व का कोई सेक्युलरिज्म हिंदुत्व से बड़ा हो ही नहीं सकता। वो सेक्युलरिज्म वहां था जहां पर स्टेट चर्च के आगे ना
शरण जाए, इसलिए वहां पर कहा जाता था। उसकी यहाँ डिफिनेशन हो नहीं सकती ना, ये संविधान का हिस्सा था, ये तो बाद में जोड़ा गया है। रही बात हिंदू राष्ट्र पर, आपने जो कहा, मैं डॉक्टर हेडगेवार जी का स्वयंसेवक हूँ और इसलिए ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसको बनाना थोड़ी, ये तो है ही, हमारे हाथ में कुछ ढील आ गई है, हमारे मूर्खता के कारण, हमारे राजनीतिक स्वार्थ के कारण, हमारे अदूरदर्शिता के कारण, बस उसको जगाना है। ये तो हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। तो आपके हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन क्या है आज के दौर में? तब मामला अलग था, आज मामला अलग है। आज हम एक सेक्युलर नेशन है जहां पे करोड़ों मुस्लिम हैं और करोड़ों क्रिश्चियंस भी हैं। तो आज हमारे लिए डेफिनेशन हिंदू राष्ट्र का क्या होना चाहिए? डेफिनेशन कभी नहीं बदलते, परिस्थितियां बदलती है, उस स्थिति में हमको व्याख्या करने की मजबूरी बनती है। वो मजबूर लोग होते हैं जो व्याख्याओं को बदलते हैं परिस्थिति के आधार पर। वो बलवान, शौर्यवान और महापुरुष होते हैं जो परिस्थिति को दोबारा बदलते हैं व्याख्या के अनुरूप। इसलिए मैं इस परिस्थिति को कोई स्थायी परिस्थिति नहीं मानता कि जो हिंदू की मजबूरी है। मैं ये मानता हूं कि हिंदू राष्ट्र की था, है और रहेगा, तो परिस्थिति फिर बदलेगी। तो क्या है हिंदू राष्ट्र आपके हिसाब से? क्या हिंदू राष्ट्र में ऐसा है कि मुसलमानों के लिए जगह नहीं होगी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा ना, मैंने ये कहा, मैं उसको उस एंगल से मानता ही नहीं। मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी मातृभू, पुण्य भू और पूर्व पूर्वज मतलब पुण्य भू, ये मानने वाला व्यक्ति मेरे लिए स्वीकार है, वो इस देश में रह सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं रह सकता, वो भाषा में कोई मानने वाला कोई भी हो। जब मैं धर्म की बात करता हूं तो बहुत से लोग पूजा पद्धति के आधार पर मानते हैं, लेकिन हिंदुओं में तो कई ऐसे लोग हैं जो तो नास्तिक हैं, वो तो किसी भी भगवान पर नहीं मानते। इसलिए केवल ईश्वर को मानना यहां तक धर्म की व्याख्या सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें कल्चर को ज्यादा महत्व देना चाहिए, जैसे इंडोनेशिया है या अन्य इस्लामिक देश है जहां पर सांस्कृतिक रूप से लोग हिंदू है, क्योंकि भगवानों को मानने का, किस भगवान को मानना है, ये कालखंड अनुरूप बदलता रहता है। कभी शिव की भक्ति ज्यादा होती थी, कभी कृष्ण की ज्यादा होने लगी, कभी राम जी की भक्ति ज्यादा होने लगी, साईं बाबा की भक्ति ज्यादा होने लगी, फिर लोग वेदों पर जाएंगे, ये तो बदलता रहेगा। यीशु भी आएंगे, अल्लाह के बारे में माना जाएगा। धार्मिक आधार पर, इसका पूजा पद्धति के आधार पर विश्लेषण करने के बजाय इसका सांस्कृतिक आधार पर विश्लेषण करना चाहिए। और हमारी संस्कृति को ना मानने वाला किसी भी धर्म का हो, वो यहां नहीं रहना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की मेरी व्याख्या है। तो इस, ये जो हम हिंदुओं की बात करते हैं, अब हिंदू राष्ट्र की हमने बात कर ली, तो हिंदू राष्ट्र की बात करने के बाद हिंदुओं की बात करना बहुत जरूरी है। आज हिंदुओं के खिलाफ सिर्फ जिहादी ही नहीं है, हम काफी बाइनरी लेंस से कई बार देख लेते हैं कि इट्स अ हिंदू वर्सेस मुस्लिम इशू। तो आज हिंदुओं के खिलाफ और हिंदू हित के खिलाफ सिर्फ जिहादी ही नहीं है, ईसाई सबसे ज्यादा है। यस, तो आप जो कन्वर्जन इशू है इन क्रिश्चियनिटी, आप उसको कितना मूल्य देते हैं? और आपको क्या लगता है कि हिंदुओं को जिहादियों से ज्यादा थ्रेट है या क्रिश्चियन कन्वर्जन से ज्यादा थ्रेट है? दोनों से है। मैंने सबसे ज्यादा, अब लोग ज्यादातर क्या हो गया कि पिछले कुछ वर्षों में मेरा अटैक ज्यादा कट्टरपंथियों की तरफ रहा, लेकिन आप अगर मेरे शो को एनालिसिस करेंगे जो मेरे 1400 विनाश बोल होने को जा रहे हैं, उसमें मैंने ईसाइत के षड्यंत्रों को ज्यादा उजागर किया। और मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे कट्टरपंथियों ने जितना नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे कम से कम 4 गुना नुकसान मुझे ईसाई षड्यंत्रकारियों ने पहुंचाया है। क्योंकि वो तो, ये तो फिर भी दाढ़ी रखेगा, मूछ निकालेगा, टोपी पहनेगा, छोटा भाई का पायजामा पहन के आएगा, बड़े भाई का शर्ट पहन के आएगा, लेकिन जो वो है ना, वो तो बिल्कुल नाम नहीं बदलेगा, टाई लगाएगा, आपके जैसा ही रहेगा और पीठ पे खंजर मारेगा। इसलिए ये कभी भूलना नहीं चाहिए। और मैं ऑलरेडी मैंने कुछ देश के जाने माने लोगों से बात की है इस विषय पर काम करने वाले, और एक बार ये जरा यूपीएससी जिहाद से मुक्ति मिले उसके बाद मैं उस मुद्दे पर बड़ा एक आक्रामक, कम से कम 1.5-2 महीने का कैंपेन लाने वाला हूं। तो ईसाई धर्म जो है, वो आपने जैसे कहा कि जो जिहादी हैं वो देखकर आप पहचान सकते हैं या उनकी आइडियोलॉजी बहुत क्लियर कट होती है, एटलीस्ट मैं ये उनको क्रेडिट देना चाहूंगी कि वो जो है वो काफी हद तक अपने मुंह पे रहते हैं, तो आपको पता है कि हाँ ये मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा है, उनकी दाढ़ी रहेगी, मूछ नहीं रहेगी और उनकी बात बात में, चाल चलन में पता चल जाता है।
ईसाइयों का ऐसा है कि आपने जैसे कहा जो कन्वर्ट्स होते हैं उनका नाम भी वो चेंज नहीं करते, दे डोंट टेक ऑन देयर क्रिश्चियन आइडेंटिटी, और उसी वजह से ये काफी चला है इन स्पेशली इन स्टेट्स लाइक केरला एंड यू नो अदर सदर्न स्टेट्स कि दलित क्रिश्चियन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए एंड एनी हिंदू हु कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, एनी दलित और शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब हु कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी उनको उसी तरीके से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सिंस आप अभी यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के ऊपर मुहिम चला रहे हैं, मैं दोनों को कनेक्ट करती हूँ। ये जो एक रिजर्वेशन का इशू है जहाँ पे हिंदू जो सो कॉल्ड लोअर वर्ग से हैं जैसे जो दलित हैं शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो अगर ईसाई धर्म अपनाते हैं तो उनको भी रिजर्वेशन क्या मिलना चाहिए, और इसका सिविल सर्विसेज से जो एक कनेक्शन है कि ये ब्यूरोक्रेसी ही है जो ये आइडिया को बढ़ावा दे रही है, और ऑफ कोर्स थ्रू द ब्यूरोक्रेसी देयर आर आल्सो गवर्नमेंट्स इन द साउथ, बट स्टिल आप इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे कि ये रिजर्वेशन 100%। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिस दिन ऐसा होगा उस दिन आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के मोर देन 16 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका होगा। अगर आप मैप गूगल पर कोई डाले कि क्रिश्चियनिटी का हिंदुस्तान का मैप क्या है तो आपको पता चलेगा कि हमारे साउथ के राज्य तो हाथ से करीब करीब निकल चुके हैं। और मैडम तेरेसा कभी दिल्ली में इसके लिए आंशन पे बैठी थी कि करवंजन करने वाले दलितों को भी रिजर्वेशन मिले, आपको ये भी पता होगा। और हमने इसका सोल्यूशन खोजना है तो बहुत सिंपल है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो हिंदू धर्म छोड़कर जा रहा है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, यहां तक कि उन्होंने स्वीकार किए हुए बुद्ध धर्म को पंथ को भी उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था से प्रताड़ित लोगों के लिए रिजर्वेशन है इसलिए मैं उनको नहीं दूंगा। तो जब बाबा साहब ने नहीं दिया है तो आज कौन देता है हम देखते हैं, नहीं देने देंगे। लेकिन हाँ चोरी छुपी केरला में जब अभी कोर्ट के लिए कुछ जगह निकली है तो उसमें उन्होंने कन्वर्जन वालों को दिया है, तमिलनाडु में कुछ हद तक इसके लिए एक अलग कंसेप्ट बनाकर वहां पर दिया जा रहा है। आपको लेटेस्ट उदाहरण बताता हूँ, शायद कई दर्शकों को नहीं पता होगा, अभी कोविड के दौरान आंध्र प्रदेश में यह कहा गया कि पादरियों को और हम पैसे देंगे और हिंदुओं को भी देंगे मंदिरों को देंगे, लेकिन ये देखा गया कि जहां पर पादरियों का रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली कास्ट रिलीजन के तौर पर 2.5% के आसपास है वहां पर 50% के आसपास लोगों ने फैसिलिटीज का फायदा उठाया। तो इसका मतलब तो ईसाई बने ज्यादा है लेकिन ईसाई नाम ज्यादा नहीं लगा रहे। तो जहां पर 47.5% तक का रेशो की गड़बड़ हो सकती है तो सोचिए कि ये कितना बड़ा घपला है। अब जिहादियों और ईसाइयों को छोड़ के एक कम्युनिज्म और लेफ्ट का भी एक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है जो हिंदुओं के खिलाफ है। अब लेफ्ट से डील करना काफ़ी हद तक ईजियर है क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो ग्लोबली रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन इंडिया में वो काफ़ी हद तक एक्सेप्टेंस पा रहे हैं इन द नेम ऑफ एंटी हिंदुत्व एंड एंटी हिंदुइज्म। तो उनसे डील करने के लिए इन योर एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि जिहादियों और ईसाइयों से कहीं ज़्यादा डेंजरस लेफ्टिस्ट हैं क्योंकि वो हमारे हर वर्ग में घुस जाते हैं, वो इंटेलेक्चुअल भी बन जाते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में भी आ जाते हैं, वो गवर्नमेंट में भी आ जाते हैं, वो किताब भी लिखते हैं, वो एडुकेटर्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद जिहादियों और ईसाइयों से कहीं ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक कम्युनिस्ट्स और लेफ्टिस्ट हैं। और आप जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट वो है जो आज देश चला रही है, जो पार्टी पावर में है, लेकिन अब जब आप एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं कि हर एस्टैब्लिशमेंट और हर इंस्टीट्यूशन किसके हाथ में है, वो हम जानते हैं कि वो लेफ्टिस्ट के हाथ में। वो राम जन्मभूमि के समय भी हमने देख लिया था कि उन्होंने किस तरह से एविडेंस को वाटर डाउन करने की कोशिश की। तो अब लेफ्टिस्ट को और इंस्टीट्यूशनल एक जो बायस है हिंदूज के खिलाफ विच इज बिकॉज लेफ्टिस्ट बीइंग इन पावर इन दीज इंस्टीट्यूशंस, उससे कैसे डील किया जाए? देखिए ज्यादातर लोग है ना लेफ्टिस्ट को उनके पॉलिटिकल स्ट्रेंथ से कमजोर मानते हैं, खासकर राजनीतिक क्षेत्र के लोग। मैं उनको हमेशा कहता हूँ क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण हिंदुस्तान का सबसे बड़े वायरस पर आपने अभी उंगली रखी है, जो लेफ्ट है सबसे बड़ा वायरस है, सबसे ज्यादा घातक है।
पॉलिटिकल लोग उनको पॉलिटिकल स्ट्रेंथ से कहते हैं, अरे इनके कहाँ सांसद चुन के आते हैं, इनके कहाँ विधायक है। इनको ऐसा नहीं देखना चाहिए, इनको ऐसे ही देखना चाहिए कि ये डीप स्टेट है और ये ज्यादातर किसी ना किसी देश से स्पॉन्सर्ड है, या तो चाइना हो या कभी रशिया हो। अभी फोर्ड फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन यूएस से ऑपरेट करते हो, तो ये सारे इनके पीछे बहुत बड़ा यंत्र है, तंत्र है। और इसलिए आप देखते होंगे कि इनमें से किसी आदमी को गिरफ्तार करने के लिए देश की सबसे बड़ी एजेंसी भी जब पीछे जाती है तो एक एसएमएस पर इनको बेल मिल जाती है। कितना खतरनाक इनका तंत्र है। तो लड़ा कैसे जाए, तो लड़ा यही करना पड़ेगा कि आपको अपने लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से नुपुर जी, हमारे आइडियोलॉजी के लोगों को कोई ऐसा लेफ्टिस्ट मिल जाता है तो, और वो लेफ्टिस्ट इनको अगर कुछ अच्छी बात बोल देना तो इनको लगता है कि वाह वाह वाह, अगर सोनिया गांधी कह दे कोई अच्छी बात, गुड मॉर्निंग भी बोल दे, तो इनको लगता है कि हमको नोबेल पारितोषिक मिल गया। लेकिन नुपुर जी बोलेगी तो उनको लगेगा तो ये घर की है, कोई बात नहीं। तो हमें लोग रिप्लेस करने के लिए अपने शक्तिशाली लोगों को, अपने काबिल लोगों को, अपने अच्छे लोगों को वहां पर रिप्लेस करना पड़ेगा, यही एकमात्र सोल्यूशन है। जहाँ जब लोग रिप्लेस करने की बात आती है तो फिर ये बात आ जाती है कि द गवर्नमेंट इन पावर, देखिए कांग्रेस ने तो किया है ना, कांग्रेस ने अपने लोग हर इंस्टीट्यूशन में बैठाए हैं। फिर ये बात आ जाती है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुश हिंदुत्व ऑन टू द पीपल ऑफ इंडिया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो सरकार है ये उस प्रोपोगंडा से थोड़ा पीछे हट जाती है। इनको लगता है कि इस लक्ष्मण रेखा को पार ना करते हैं क्योंकि फिर एक प्रोपोगंडा चलेगा और हमारा फेस लॉस होगा। तो इस गवर्नमेंट के कमिटमेंट को आप कैसे रेट करेंगे? डू यू थिंक दिस गवर्नमेंट हैज द कमिटमेंट टू रिप्लेस पीपल इन दीज इंस्टीट्यूशंस? क्योंकि मुझे वो कमिटमेंट एटलीस्ट इंस्टीट्यूशनली थोड़ा कम नजर आता है कि ये गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूशंस में लोगों को रिप्लेस करने का आपको क्या लगता है इनकी मंशा है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? नहीं, पहले तो ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, ये हम खुद ही लक्ष्मण रेखा बना लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं। ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। कमिटमेंट के बारे में मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। मोदी से मैं ज्यादा राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, अमित शाह से बड़ा राष्ट्रभक्त मैं इस देश में किसी और को नहीं मानता। इनकी राष्ट्रभक्ति पे, इनके कमिटमेंट पे तो प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न है प्रायोरिटी का। और प्रायोरिटी किसको दी जाए, ये उनको बहुत बार ऐसा लगता है कि हम मोदी जी शाह जी को समझते समय थोड़ी भूल करते हैं। देखिए, हमें रोका क्या उन्होंने बोलने से, आपको रोका क्या, हमें काम करने से या किसी को काम करने से रोका गया? तो हमारा भी तो कर्तव्य है, हम अपना काम करते जाएं। हाँ, प्रायोरिटी सेट करने में मुझे जरूर लगता है कि ये सरकार के पास उतना फ्रूटफुल एजेंडा नहीं है जितना होना चाहिए, खास करके तब जब खतरा बहुत बड़ा हो, कम समय हमारे हाथ में बचा हो। ये इस विषय पर मैं मानता हूं। तो आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट पे कमिटमेंट, एज फार एज कमिटमेंट इज कंसर्न, इनके ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकते, लेकिन ये प्रायोरिटाइज गलत कर रहे हैं अपने कार्य का, जो भी कार्य कर रहे हैं उसको। आपके हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि हमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है, शत्रुओं ने हमारे साथ किया क्या है, हमारे कितना पैसा लूट के लेके गए, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। बड़े बड़े जहाज भर के गए, ऊंटों घोड़ों पर लेके गए, हाथियों पर लेके गए, फिर भी हम गरीब नहीं हो पाए या हम उनसे बेहतर ही रहे। हमारा सबसे बड़ा डैमेज हुआ है कल्चरल वैल्यू का डैमेज, हमारा संस्कृति, हमें जड़ों से जो उखाड़ा जा रहा है वो उखाड़ा जा रहा है हमारे कल्चर से। तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म है, जब ये सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना था तो मैंने कहा कि आप हलफनामा दीजिए ना, आप कहिए कि सेंसरशिप के बगैर इस देश में कोई प्लेटफॉर्म नहीं आ सकता। तब ये सरकार चुप गई, इन्होंने कहा कि कोर्ट निर्णय करे, और इस देश में निर्णय कैसे प्रभावित होते हम सब जानते हैं। आज OTT के खिलाफ सब बोल रहे हैं, लेकिन आज हम रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप जब आप अब रोकने जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि देखो ये सरकार तो उत्तर कोरिया बनने जा रही है। तो सही जगह पर मौका जब आता है तभी
मुझे लगता है निर्णय करना चाहिए। इसलिए कल्चरल वैल्यू पर देखिए ना, अभी पिछले कुछ दिनों से मुंबई का तमाशा सारे चैनलों पर चल रहा है, जिस बॉलीवुड को देखकर इस देश का बच्चा बड़ा होता है, इस देश की भगिनी रोज शाम को उसको देखती है, वहां पर कितनी गंध है, ये गंध आई कहां से, लाई किसने, किसको प्रतिष्ठा हमने देनी चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। इसलिए सरकार की सबसे बड़ी पहली और प्रमुख प्रायोरिटी होनी चाहिए कल्चर पर काम करना। और कल्चर मंत्रालय को सबसे कम बजट है, कल्चर मंत्रालय रो प्रोफाइल माना जाता है, और उसके पास मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा रोड मैप है। दूसरा एजुकेशन, दूसरी प्रायोरिटी अगर आप मुझे कहेगी तो एजुकेशन है। और एजुकेशन में आज 6 वर्ष बाद भी, और भाजपा की करीब 12 वर्षों की सत्ता के बाद भी, हम कब तक मैकेले को दोष देते रहेंगे और गाली देते रहेंगे। अभी भी शिक्षा की जो नई व्यवस्था और जो पॉलिसी उन्होंने लाई है, मैं नहीं मानता कि कम से कम उस विराट हिंदुस्तान के सपने को ये निर्माण अभी कर सकती है। तो पहला आपके हिसाब से पहली प्रायोरिटी, अभी ना आप सुन पा रहे, चलिए आपका आवाज आने तक मैं तीसरी प्रायोरिटी बता देता हूँ। तीसरी प्रायोरिटी मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ व्याख्याओं को क्लियर करना पड़ेगा, वो क्योंकि बीमारियां जितनी बड़ी, वैसे जनसंख्या का मुद्दा आप सब जानते हैं कि मैं बोलू और मैं जनसंख्या पे नहीं बोलू ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम दो हमारे दो तो सबके दो, ये कानून लाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी ऐसा मैं मानता हूं। ये अगर नहीं लाते तो 4-4 बीबियां और 44 बच्चे पैदा करके देश में सांसदों की संख्या बढ़ा के इस देश के तंत्र पर कब्जा किया जाएगा। ये मैं नहीं, तमाम मस्जिदों में तमाम मौलाना रोज भाषण देते हैं, इसलिए वो भी एक प्रायोरिटी है। आपको अब मेरी आवाज आ रही है? नहीं, ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं फोन, मैंने एक मौन एपिसोड किया था, आप वैसा भी प्रश्न पूछ सकती हैं। हाँ जी, एक मिनट स्पीकर ऑन कर। हाँ, अभी पूछिए। हाँ, अब आपको सुनाई आ रही है मेरी आवाज? हाँ, इससे सुनाई दे रही है। तो अभी आपने पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की बात की, और कई बार पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ का ये क्रिटिसिज्म रहा है कि एक लॉ हिंदू का फार्म और लॉ अबाइडिंग दैन द मुस्लिम कम्युनिटी। आज मुस्लिम गेटोज में क्या होता है वो कई बार मुश्किल होता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी कंट्रोल करना। तो अगर पॉपुलेशन लॉ आया, इफ देयर इज अ लॉ दैट यू नो अ फैमिली कैन हैव ओनली 2 चिल्ड्रन, तो ये कहीं ज्यादा हिंदू पीएफआर को इफेक्ट करेगा, ना कि मुस्लिम पीएफआर को, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि कई अफसर तो पानी का बिल भी लेने नहीं जाते उन दीज मुस्लिम बेटे। तो ये इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम आएगी एट द ग्राउंड लेवल, जहाँ पे मुस्लिम विल कंटिन्यू टू डू व्हाट दे आर डूइंग एंड हिंदूज विल अबाइड बाय द लॉ, और उनकी पीएफआर और उनकी पॉपुलेशन घटती जाएगी। नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हूं। आप ये कह रही है कि कुछ लोग नहीं मानेंगे, जिनको मनवाना नहीं आएगा वो कोई भी हो, उसको सत्ता चलाने का अधिकार नहीं है। अगर चीन अपने देश में एक बच्चे का कानून लाता है और वहां का मुसलमान अगर उसको मानना ही पड़ता है, तो हिंदुस्तान के मुसलमान को भी मानना ही होगा। लॉ आया, ये कानून का राज है ना, तो कानून का राज मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे, इस आधार पर अगर आप कानूनों को लाने का प्रयास करेंगे तो आपने ये देश हार के छोड़ दिया है, ऐसा उस दिन समझ जाइए। रही बात हिंदू की, तो हिंदू तो ऑलरेडी 2.1 पे था 11 में, अब 21 जब आएगा तो मेरे हिसाब से 1.9 के आसपास रहना चाहिए, तो वो ऑलरेडी कम है, इसलिए वो तो बढ़ ही नहीं सकता। उसको शंकराचार्य ने आह्वान किया, फिर भी किसी ने 3 बच्चा पैदा किया, ऐसा आपके पास नाम नहीं होगा। पूजनीय मोहन भागवत जी ने आह्वान किया, उसके बाद भी किसी ने 3रा बच्चा पैदा किया, मेरे पास ऐसा नाम नहीं है। स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने आह्वान किया था, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने आह्वान किया था, फिर भी 3रा बच्चा उनके बच्चों ने भी नहीं जन्मा, तो हिंदू करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसलिए कानून ही एकमात्र उपाय है, वो भी सख्त कानून। कई लोग कहते हैं, बाबा रामदेव भी इसका समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो 3रा बच्चा पैदा होगा उसका वोटिंग राइट निकाला जाए। मैं इसका समर्थक नहीं हूं, क्योंकि 3रा बच्चा 18 साल बाद वोटिंग करने जाएगा, तब तक तो देश हाथ से निकल चुका होगा और वो कानून बदलेंगे और नया कानून लाएंगे। मैं ये मानता हूं कि आज 2021 में, क्योंकि 10 महीने देने पड़ेंगे,
नहीं तो ये कहेंगे कि पेट में बच्चे उनका क्या करेंगे। इसलिए अब 21 में जब ये कानून अभी तय किया तो 21 से जब ये कानून लागू होगा तब हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि जन्म देने वाले परिवारों पर एक्शन होना चाहिए। जन्म लेने वाले पर तो बंधन रहेगा ही, चीन में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल भी नहीं कर सकता, लेकिन जन्म देने वाले पर भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप कहेंगे कि इतनी सख्त बात कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी 60 साल 50 साल लेट हैं। ये बात जब शुरू हुई थी तब अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होती तो आप चीन का साम्राज्य क्यों है, सामर्थ्य क्यों है, क्योंकि उन्होंने सही समय पर अपने पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया था। इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं तो इस विषय पर दुनिया के किसी व्यक्ति से भी बातचीत ले तैयार हूं, सख्त कानून ही एकमात्र उपाय है, मुसलमान को मानना ही होगा। आपको अभी इसमें मेरी आवाज नहीं आ रही है ना? आज शायद, हाँ आज शायद इंटरनेट का काफी इशू हो रहा है दोनों की तरफ से। हाँ तो ये पॉपुलेशन लॉ के बारे में ही थोड़ा और बात करते हैं। अब अगर बात करते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुओं का TFR बढ़ना चाहिए, राइट? और ये एक रिवॉल्विंग डोर है, हो सकता है कि आज से 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद ये एक ट्रेंड, देखिए आज मुझे लगता है कि कम बच्चे पैदा करने हैं या ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, ये सोसाइटल ट्रेंड के ऊपर हिंदुओं के लिए बहुत हद तक डिपेंड करता है। आज मेरी जो नानी थी उनके शायद 7-8 बच्चे थे, 9 बच्चे थे, मेरी मम्मी थी उनके 3 बच्चे हैं, मेरी 1 बच्ची है। ये हो सकता है कि फ्यूचर में एक सोसाइटल ट्रेंड ऑफ लार्ज फैमिली से शुरू हो जाए, क्योंकि अभी US में भी आप देख रहे हैं कि वो ट्रेंड वापस आ रहा है ऑफ लार्ज फैमिलीज और यू नो प्रोड्यूसिंग मल्टीपल चिल्ड्रन एक्सेट्रा। तो अगर ये लॉ आ जाए तो आपको नहीं लगता कि हम सोसाइटी को वो समय ही नहीं देंगे ये डिसाइड करने का कि वो सोसाइटल ट्रेंड शुरू हो? नहीं, ऐसा ये लॉ कोई बाइबल और कुरान तो है नहीं कि ये बदलेगा ही नहीं। लॉ तो जब आज ये जरूरत है तो आज लाया जाए। चीन भी अभी बदलने पे विचार कर रहा है, चीन भी अपने यहाँ पर दूसरे चीनी वंश के लोगों को दूसरा बच्चा पैदा करने की छूट दे रहा है, नॉन चीनी वंश को नहीं दे रहा है, ये ध्यान रखिए। तो ये बदला जा सकता है, आज ये जरूरत है ये लाया जाए, जब जरूरत बदलेगी तो बदला जाए। वास्तविकता जो बात आपने कही वो लार्ज पर्सपेक्टिव में वही सच है कि फैमिली प्लानिंग का मतलब 2 बच्चे नहीं होता। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि आपकी आमदनी कितनी है और आप कितने बच्चों को पाल सकते हैं, वास्तविक होता है। लेकिन इस देश में जितना अमीर होगा उतने बच्चे कम पैदा करेगा और जितना उधर होगा वो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, क्योंकि आप उसको स्कूल में जाते हैं तो 2-2 किलो चावल देते हैं तो उसके बाप को काम करने की जरूरत ही नहीं, 10-20 बच्चे है जाके चावल लेके आते घर चला जाता है। तो आपने सिस्टम गलत बनाए ना, आप तो इंस्टीट्यूशन ऐसे बना रहे कि आप उसको कन्वर्जन को प्रमोट कर रहे हैं। अब UPSC में देखिए, अगर कोई हिंदू बनकर एग्जाम देने जाएगा तो उसको कोई फायदा नहीं है, लेकिन वही मुसलमान बनकर जाएगा तो उसको फायदा है। तो इंस्टीट्यूशन ही प्रमोट कर रही है ना। तो आप बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनली अब जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ नहीं आएगा तो उसमें कन्वर्जन की भी संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, बिकॉज जो लोअर स्ट्राटा के हैं, जो फाइनेंशियली लोअर स्ट्राटा के हैं, दे एंड अप प्रोड्यूसिंग मोर किड्स, और जो एफ्लुएंट फैमिलीज के हैं दे एंड अप प्रोड्यूसिंग लेस किड्स। लेकिन मैं आपको वही बोल रही थी कि जैसे US में ये ट्रेंड आ गया है जहाँ पे एफ्लुएंट फैमिलीज को भी लगने लग गया है कि उनकी एक लार्ज फैमिली होनी चाहिए एंड दे शुड हैव मल्टीपल चिल्ड्रेन, और अगर हम ये लॉ लगा देते हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि वो हिंदू जो एक सोसाइटी है, मान लीजिए कि हमें अभी समझ में नहीं आ रहा कि इन द नेक्स्ट 5 years दैट ट्रेंड माइट चेंज, इन द नेक्स्ट 5-6 years वो ट्रेंड आ सकता है जहां पे एफ्लुएंट, क्योंकि ये ट्रेंड बदलने का बेसिक कारण भारत में रहा है कि महंगी शिक्षा, जबकि शिक्षा राज्य का विषय रहा इस देश में हमेशा, शिक्षा कभी भी खर्चे का विषय नहीं रहा, राज्य देता था। शिक्षा आपने ईसाइयों के बीच छोड़ दी तो आपको प्राइवेट स्कूल लाने पड़े और प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि आज दिल्ली जैसे शहर में अगला बच्चा पैदा करने का साहस लोग तभी करते हैं जब उनको लगता है कि हम एडमिशन कर पाएंगे। तो आपने शिक्षा एक बड़ा कारण रहा, आपने दूसरा बड़ा कारण रहा स्वास्थ्य, जिसके ऊपर बहुत बड़ा आज आमदनी का बड़ा खर्चा लोगों का स्वास्थ्य पर होता है, जो कि ये विषय भी आपने फार्मा लॉबी के अधीन छोड़ दिया, ये आपका एक बड़ा कारण है। जब तक आप बेसिक कारणों पर काम नहीं करेंगे तब तक आप ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, और मुझे दिख नहीं रहा है कि इस
जिस तरफ सारा तंत्र जा रहा है कि इस पर कोई काम होने की संभावना है। सुरेश जी, आपसे हर ऑलमोस्ट हर इशू पे बात हो गई है। अब वापस से सुदर्शन टीवी पे आते हैं, आपकी नेक्स्ट 3 मुहिम क्या रहने वाली है? अभी तो आपने यूपीएससी की जड़ों को पकड़ा है, फिर आपने कहा कि आप कन्वर्जन को पकड़ेंगे, आपके हिसाब से आपकी नेक्स्ट 3 मुहिम क्या होनी चाहिए? अगर मैं अभी कुछ बोल दूंगा ना, ये वीडियो लेके हाईकोर्ट को पहुंच जाएगा कि देखो सुरेश चव्हाण क्या अभी ये करने जा रहा है, नुपुर जी के साथ इसने इस वीडियो में बोल दिया है तो इसको स्टे दे दीजिए। तो अभी मैंने नया फॉर्मूला क्या लाया है, मुझे जब भी कोई बड़ा ऐसा कोई कैंपेन लाना होगा ना तो मैं पहले नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा कि मैं कुछ विशेष लेकर आने वाला हूँ, आज रात 8 बजे देखिए। तो जैसे मोदी जी सस्पेंस रखते हैं ना 8 बजे का, वैसे सस्पेंस मैं रखूंगा, अभी पहले नहीं बताऊंगा। हाँ, अंतिम लक्ष्य क्या है? हिंदू राष्ट्र, बस। आपको लगता है कि मीडिया जैसे सुदर्शन टीवी है या ऑप इंडिया है, वो एक ओवरटन विंडो शिफ्ट कर सकते हैं कि जो उनको देखते हैं उनकी सोच को धीरे 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 एक ऐसे जगह पे जाकर लेके खड़ा कर सकते हैं जहां पे वो भी सेक्युलरिज्म का जो चोगा है वो छोड़ दे और हिंदू राष्ट्र की बात करने लग जाए? आप तो कर सकती है, क्या पूछ रही हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि कर चुकी है। देखिए, अगर ऐसा कर चुके नहीं होते मोदी सत्ता में नहीं आते। मोदी जी सत्ता में आए इसलिए हिंदुस्तान का हिंदू हिंदूवादी बना, ये नहीं है। असली उत्तर है कि इस देश का हिंदू जाग गया इसलिए मोदी जी सत्ता में आए, इसलिए ये तो कर चुके हैं। हाँ, करना क्या चाहिए? तो भाई, ओप इंडिया अलग रास्ते पे चले, सुदर्शन अलग रास्ते पे चले। हमारे हो सकता है कि किसी लीडरशिप के कारण पी गुरु जैसे प्लेटफॉर्म से आपका असहमति हो, लेकिन वो अलग रास्ते पे चले, और कोई और कई नाम लिए जा सकते। हिंदू में क्या है कि हम लोगों का वो जो पहले जमाने में संस्थान होते थे ना, ये मेरा राज्य, ये मेरा राज्य, ऐसा रखोगे तो काटे जाओगे, बटोगे तो कटोगे। इसलिए हम सबने एक होकर काम करना चाहिए। अगर हम अपने एक दूसरे के प्लेटफॉर्म ही एक नहीं कर पाएंगे तो सारा हिंदू समाज कब एक कर पाएंगे? इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने एक करना चाहिए। जैसे उधर देखिए, बुरखा एक ट्वीट करती है तो सारे देश भर के लेफ्टिस्ट एक दिशा में चले जाते, हम क्यों नहीं कर सकते? हमें तो लगता है कि अरे ये पीट रहा है ना, पीटने दे दो इसको, ये थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक है, ये थोड़ा ज्यादा आक्रामक बोलता है। सुरेश चव्हाण के अगर हथौड़ा नहीं मारता तो यूपीएससी का विषय कभी भी सतह पर नहीं आता, ध्यान रखिए। और मैं नहीं कहता कि सबने सुरेश चव्हाण के बनने की जरूरत है, आप बनिए, आपको जो स्टाइल अच्छी लगती है आप करिए। फील्डिंग में कोई कीपर होना चाहिए, कोई फास्ट बॉलर होना चाहिए, कोई स्पिनर होना चाहिए, सारे होने चाहिए। तो आपको सुरेश चव्हाण के को रोज आप मंच दे दो ये भी जरूरी नहीं है। जब युद्ध में सीमा पर खड़ा सैनिक तभी गोली चलाता है ना जब सामने से खतरा आता है, बाकी दिनों में उसकी भूमिका नहीं रहती। तो जब खतरे के दिन है तो सुरेश चव्हाण के को स्वीकार करिए, जब आपको शांति के दिन आएंगे तो आप किसी बकवादी को खड़ा करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सुदर्शन टीवी के लिए एंड गोल हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र ही है, हम सब, मुझे लगता है परम वैभव है तुम्हें तस्व राष्ट्र, और क्या है। थैंक यू सो मच सुरेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक काफी सारी ऐसी इश्यूज है जो अब बहुत लोग एक अलग लाइट में देखे हैं आपकी इस इंटरव्यू के बाद। सो थैंक यू, एंड आई होप कि हम जल्दी फिर से बात कर सके आपकी अगली मुहिम के बाद, क्योंकि अंतिम बात आपको कहूंगा निपुर जी। बहुत से लोग क्या करते हैं, लोग कहते कि नहीं शत्रु बहुत बड़ा है, ये है वो है। मैंने परसों के एपिसोड में भी शिवाजी महाराज जी के जीवन का एक उदाहरण बताया था, जब उनके खुद जो अपना मतलब उनके जो पिताजी थे वो आदिलशाही में सरदार थे और उन्होंने हिंदवी राष्ट्र की शपथ ले ली, तो उनके एक पिताजी के सरदार मित्र ने, चाचा जैसे व्यक्ति ने कहा कि शिवाजी तुमको पता है कि तुम किससे टकराने जा रहे हो, जिनका हिंदुस्तान पर राज्य है वहां तुम क्या टकराओगे? तो उन्होंने कहा कि शत्रु कितना बड़ा हो तब, मतलब असत्य कितना बड़ा हो तब सत्य ने उसके सामने शरण जाना चाहिए। तो इनका मतलब ये था कि कितना भी बड़ा असत्य क्यों ना हो, अधर्म कितना भी बड़ा हो, धर्म ने उसके सामने शरण नहीं जाना चाहिए। ये संदेश रखिए, टकराइए, संघर्ष करिए, वही जीतता है जो कुछ करता है, और वही गलती करता है जो कुछ करता है, इसलिए गलती से भी मत डरिए। थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू फॉर दिस मैसेज, एंड आई होप आपकी अगली मुहिम के बाद हम फिर से जुड़ सके। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस सुरेश जी, जय श्री राम। जय श्री राम।